हमारा प्रोजेक्ट हमने एक NFC बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि हम उसे यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, यानी यूनिवर्सल कार्ड जो कि पेमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें हमने ये जो कार्ड आप देख रहे हैं वाइट में, ये NFC टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। सो इसके तो काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन हमने उनमें से एक एप्लीकेशन चूज़ किया है जो कि NFC फॉर स्मॉल पेमेंट्स। सो जैसे अब चलिए मैं आपको इसका फ्लो बता देती हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। समझिए, ये एक पूरा प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट होगा, ये रीडर हम किसी बिग मर्चेंट्स को सेल करेंगे। बिग मर्चेंट से क्या हमें फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि उनसे हमें एक ब्रांड ऑथेंटिसिटी या फिर सिक्योरिटी मिलेगी, जिससे यूज़र सिक्योर रहेंगे कि हाँ, हम जो भी सामान खरीद रहे हैं सही ही होगा। तो चलिए अब इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ हम कैसे करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे P फॉर पेमेंट, R फॉर रिचार्ज। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके बताती हूँ। हम P प्रेस करेंगे, फिर हम अमाउंट देख सकते हैं आप, एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करते हैं। अब हमें पिन पूछा है, अब वो जो आपकी पिन होगी वो आप ही जानोगे, वो आप ही रजिस्टर करते वक्त वो आप ही डिसाइड करने वाले हो। सो इसीलिए ये इसमें ऑथेंटिकेशन का एक सब्जेक्ट है। अब हम स्कैन करते हैं। जैसा कि आपने देखा, फेल्ड हो गया था हमारा रिस्पांस। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी टाइम ले लिया था स्कैन करते वक्त। ये भी हमारे एक ऑथेंटिसिटी के लेवल में आता है, ताकि अगर कोई भी लेट करता है तो उसका फेल हो जाता है ट्रांजेक्शन। चलिए मैं एक बार आपको वापस करके बताती हूँ। अब पिन डालिए, अब हम स्कैन करते हैं। जैसा आप देख सकते थे, हमारा रिचार्ज डन हो गया। सो अकेले देखते हैं रिचार्ज कैसे करते हैं। हमने R प्रेस किया, फिर हमें कितना रिचार्ज करना है वो ऐड करिए अमाउंट, फिर एंटर करिए। अब स्कैन करिए, रिचार्ज हो गया आपका। इज एज सिंपल एज दिस। जैसे EMV कार्ड्स होते हैं वैसे ही ये भी है, लेकिन इसमें हमने सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा रखे है। इस कार्ड में 16 ब्लॉक्स होते हैं, हर एक ब्लॉक में अलग अलग मेमोरी, अलग अलग जगह की मेमोरी स्टोर हो सकती है, और उसको हमें इनक्रिप्ट करने के लिए दो कीज़ अवेलेबल होती हैं, की ए या की बी। अगर आप चाहें तो आपको सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी है तो आप की ए भी रख सकते हैं और की बी भी रख सकते हैं, दोनों के दोनों। अगर आपको सिक्योरिटी उतनी नहीं चाहिए, अगर आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, तो हम सिर्फ की ए यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर डेटा आपका, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो अगर आपको देखना है, तो इसमें हमने यहाँ ये देख सकते हैं आप, वाईफाई का भी यूज़ किया है। वाईफाई सिर्फ इसलिए यूज़ किया है कि हमारा जो डेटा हो, हमारे जो ईप्रो में स्टोर होता है, वो डेटा सिर्फ वो भेजने का काम करेगा, वो ऑथेंटिकेशन लेवल पास नहीं करता, जिससे ये प्रोडक्ट और सिक्योर बनता है। बाकी सारे EMV कार्ड्स में क्या होता है कि आप जब डेटा भेजने के लिए नहीं वाईफाई इस्तेमाल होता, आपका ऑथेंटिकेशन पास करने के लिए आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जहाँ सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा इशू आ जाता है, हैकिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, जो कि हमारे इस कार्ड में नहीं है। सो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। जैसे कि आपका कार्ड अगर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली कार्ड में क्या होता है, आप ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें भी वो पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपका ये कार्ड खो जाता है तो आप अपने रिटेलर के पास जाएंगे और वहाँ से आप ये कार्ड को ब्लॉक भी करवा सकते हैं। सो इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ है जो बाकी सारे EMV कार्ड्स में होते हैं, लेकिन उससे भी एडवांस वर्जन है। सो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।